Hello everyone, I am an English trainer. So welcome back to my YouTube channel. So guys, today I would like to discuss about use of would. ये would जो है modal verb है, इसके बारे में हम आप discuss करेंगे. So friends, before starting this class, please like, subscribe, share my YouTube channel. So shall we start the class? So friends, मैंने यहाँ पे जो topic को नाम दिया है, हम आज यहाँ पे would का use करें. WOULD, would. इसे क्या प्रोनाउंस कहते हैं? Would. Would का मतलब है गागी, गे या चाहूंगा. सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो वुड का यूज कर रहे हैं, एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? वुड का यूज कर रहे हैं पहले रूल में, और ये वुड का पार्ट फर्स्ट है. सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे नोट लिखा है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए विल की जगह, मीन विल के स्थान पे हम वुड का प्रयोग करते हैं. राइट फ्रेंड्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, इसी के स्थान पर अगर आप वुड का यूज करेंगे, वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पे हम विल के स्थान पे वुड का यूज कर रहे हैं. राइट फ्रेंड, सो फ्रेंड्स, ये पार्ट फर्स्ट है और इसका जो साउंड जाता है फ्यूचर में, इसका साउंड जाता है विल का पास वुड. राइट फ्रेंड, सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है, वुड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. जैसे हम क्वेश्चन मार्क एड करते हैं, राइट, तो वुड का मीन क्या जाता है यहाँ पे, क्या. राइट, मैंने फॉर एग्जाम्पल बोला कि विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, उस स्थान पर अगर आप इसका यूज करेंगे, वुड यू हेल्प मी प्लीज, तो ये मोर पोलाइट हो जाता है. विल से भी ज्यादा पोलाइट क्या है, वुड. वुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगे, वुड यू हेल्प मी प्लीज. आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, वुड यू लैंड मी 2000 रुपीज प्लीज, क्या आप मुझे 2000 रुपया उधार देंगे, वुड यू लैंड मी 2000 रुपीज प्लीज. नेक्स्ट, would I know your name please, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं, मीन्स फ्यूचर साउंड है, would I know your name please. राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट, would you sit here, क्या आप यहां बैठेंगे, would you sit here please. राइट, would I talk to you please, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, मीन्स फ्यूचर साउंड. और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, वुड का यूज करेंगे. राइट फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, मैंने जो दूसरा रूल लिखा है यहाँ पे, वुड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में, मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम वुड का यूज करते हैं. राइट, देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, ही सर ही विल गो टू स्कूल, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है. ही सर, उसने कहा, ये पास में है, ही सर, उसने कहा कि ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, और इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो ही सेड दैट, और ये क्लॉज है, एक और कौन सा क्लॉज है फ्रेंड्स, पास्ट क्लॉज है, ही सेड दैट ही वुड गो टू स्कूल, क्योंकि दूसरा क्लॉज भी किसमें होना चाहिए था, आपका पास्ट क्लॉज होना चाहिए था, विल का पास्ट, ही सेड दैट ही वुड गो टू स्कूल. सो फ्रेंड्स, ये हमारा बिल्कुल छोटा वीडियो था, वुड का यूज किया. अब इसके बाद हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं. सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड वॉच द वीडियो टिल देन. सो फ्रेंड्स, जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसी के बगल में बेल आइकन उसे जरूर प्रेस कीजिए, बिकॉज जो भी नई वीडियो बनेगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे. सो फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलेगा. सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन नाइस मीटिंग टू यू, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू वेरी मच.